नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रगति द्विवेदी। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर व्हाट्सएप समय समय पर यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर्स और अपडेट्स रोल आउट करता है। आज मैं आपको व्हाट्सएप के उन फीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो हमें जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकते हैं। मल्टी डिवाइस फीचर। व्हाट्सएप के इस फीचर का इंतजार काफी दिनों से था। ये फीचर फिलहाल टेस्टिंग स्टेज में है। इस फीचर की मदद से यूजर एक साथ कई डिवाइस में व्हाट्सएप यूज कर पाएंगे। इस फीचर को कई बार बीटा वर्जन में देखा जा चुका है। अभी व्हाट्सएप को मोबाइल और डेस्कटॉप पर ही हम चला सकते हैं, लेकिन इस फीचर के आ जाने के बाद दूसरे डिवाइसेस में भी व्हाट्सएप को चलाया जा सकता है। व्हाट्सएप एक नया ऑडियो फीचर लाने वाला है जिसकी मदद से लंबी ऑडियो मैसेज को आसानी से सुना जा सकेगा। बीटा इन्फो के अनुसार व्हाट्सएप अपने नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसमें यूजर्स ऑडियो मैसेज के प्लेबैक स्पीड को बदल सकते हैं। ये फीचर एंड्रॉयड और iOS यूजर्स दोनों के लिए होगा। फिलहाल ऑडियो मैसेज को स्टैंडर्ड प्लेबैक स्पीड 1x में सुना जा सकता है, लेकिन इस फीचर की मदद से लंबी ऑडियो मैसेज को 1.5x और 2x की स्पीड से प्लेबैक किया जा सकेगा। WhatsApp लॉगआउट। WhatsApp लॉगआउट डिलीट अकाउंट की बटन की जगह लेगा। ये जल्द आने वाले मल्टी डिवाइस फीचर को सपोर्ट करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp को भी Facebook या ईमेल के जैसे ही लॉगआउट किया जा सकता है। इस फीचर को हाल ही में WhatsApp के बीटा वर्जन में देखा गया था। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे iOS और Android यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा। WhatsApp पर Instagram Reels। अब मैं आपको WhatsApp के उस फीचर के बारे में बताने जा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जल्द ही WhatsApp पर Instagram Reels देखा जा सकता है। इसके लिए कंपनी एक अलग सेक्शन बना रही है। Instagram Reels पर शॉर्ट वीडियोस डाले जाते हैं। इस फीचर को भारत में TikTok बैन होने के बाद Instagram में ऐड किया गया था। WhatsApp इंश्योरेंस। और आखिर में उस फीचर की बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द ही इंडिया में आप WhatsApp से ही इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस और माइक्रो पेंशन प्रोडक्ट बेचेगी। इसके लिए WhatsApp कई फाइनेंशियल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेगी। शुरुआती दौर में WhatsApp SBI जनरल सेशे हेल्थ इंश्योरेंस और HDFC पेंशन स्कीम बेच सकती है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।